भला कुर्सी को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है क्या? हाँ, अगर माहौल शादी वाला हो तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहाँ बुलंदशहर में दिल्ली से आई एक बारात में जोरदार हंगामा हो गया। दूल्हे की दादी से कुर्सी मांगने पर बाराती और दुल्हन पक्ष के बीच में खूब बहसबाजी हुई। नाराज दूल्हे और उसके भाई ने दुल्हन पक्ष के साथ गाली गलौज के साथ मारने की भी धमकी दे दी। इससे आहत दुल्हन ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने दूल्हे सहित सारे बारातियों को बंधक बना लिया। काफी देर हंगामा चला। उसके बाद बारात में ही दूल्हे को 3 तलाक देकर शादी में खर्च हुए पैसे भी वापस देने पड़े। तब जाकर बारातियों को छोड़ा गया। बता दें कि रात करीब 8 बजे ये निकाह पढ़ा गया था। दरअसल हंगामा कुछ इस तरह शुरू हुआ कि दिल्ली से बारात बुलंदशहर में आई थी। मैरिज होम में दूल्हे की दादी कुर्सी पर बैठी हुई थी। एक युवक वहां पहुंचा और दादी से कुर्सी छोड़ने के लिए कहने लगा। दादी ने युवक के साथ अभद्रता करने के साथ खुद को गोली मारने की धमकी दे डाली। इस बात का पता जब दूल्हे और उसके भाई को लगा तो वो भड़क गए और आग बबूला होकर दुल्हन और उसके परिजनों के साथ गाली गलौज करने लगे। वहीं बंधक बनने पर काफी जद्दोजहद के बाद दूल्हे पक्ष ने रकम लौटाने के साथ दुल्हन को तलाक दे दिया। खैर, इस मामले पर हम आपको यही कहना चाहेंगे, ऐसी शादी करने से बचे जहां पर इतनी छोटी सोच के लोग हों। ऐसे लोगों से दूर रहें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।